इस फार्म की स्थापना हमने 2021 में की थी और ये हमने जुलाई अगस्त 2021 में लगाया था। लगभग एक एकड़ है, एक एकड़ से थोड़ा कम है। इसमें लगभग 400 पोल हैं और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 12 फीट है और पोल से पोल के बीच की दूरी 8 फीट है। जब ये लगाया गया है, इसमें अधिक इनके पास जानकारी नहीं थी। ये जो फल है सियाम रेड है, ये देखिए, इसको बोलते हैं सियाम रेड। अच्छा फल है, बहुत बड़ा हो जाता है। ये 800 ग्राम तक का हमारे यहाँ पर हुआ है, लेकिन इसकी एक थोड़ी समस्या है कि ये ज़्यादा बड़ा होने पर थोड़ा सा फट जाता है। इसका स्वाद थोड़ा सा ज़्यादा मीठा नहीं है, खट्टा मीठा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं है, मीठा है। पिछले वर्ष मुझे इस बाग के देखरेख का उत्तरदायित्व मिला, तो मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप जो भी काम करते हैं अच्छी तरीके से करते हैं और आप इसको देखिए। तो मैंने आपको दिखाया था कि इसके लिए हम सबसे पहले गुजरात गए थे और फिर हरियाणा और पंजाब में भी कुछ फार्म पर गए हम और हमने जानकारी एकत्रित की। उस जानकारी में दो चीज़ें मुझे सबसे अधिक अच्छी भी लगी और ये लगी कि इसमें मुझे अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि या तो लोगों ने बताया नहीं या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। मेरे दो सवाल थे उनसे कि ये जो देखे यहाँ पर है, इसके लिए गोबर की खाद बहुत आवश्यक होती है। ये देखे कितनी नमी है और ये जितनी भी गोबर की खाद है, ये सब केचुए खा चुके हैं। कल हम इनमें फिर गोबर की खाद लगाएंगे और ये मल्चिंग की गई है। अगर आप गोबर की खाद नहीं प्रयोग करते तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा, खाद से हमें न्यूट्रेंट मिलते हैं, नाइट्रोजन मिलती है, फास्फोरस मिलती है, पोटास मिलती है, कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट मिलते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है, क्या मैं इनकी पूर्ति वैसे नहीं कर सकता? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। किसान साथियों, जब अगर आप इसकी गूगल सर्च करेंगे और इसका थोड़ा जो लिटरेचर है वो पढ़ेंगे, तो उसमें दो बातें मुख्य रूप से लिखी गई है। नंबर एक, इसके लिए सही वातावरण 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक है। ये थी पहली बात। चूँकि ये वियतनाम से आया हुआ है और थाईलैंड में, इन दोनों कंट्री में बहुत होता है और वहाँ पर अधिकतर बरसात का और ह्यूमिडिटी का मौसम होता है और टेम्परेचर लगभग इसी रेंज में होता है। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर गुजरात में 45 से ऊपर तक चला जाता है और राजस्थान में भी, पर वहाँ पर एक और समस्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर समस्या ये है कि टेम्परेचर के साथ साथ गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो लोग दिन में पानी नहीं दे पाते और उस जो भयंकर गर्मी होती है उसको थोड़ा कम करने के लिए वे लोग शेड नेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि हमने बिना शेड नेट के भी इसमें सफलता प्राप्त की है। ये हुआ पहला काम। दूसरा ये था कि मैंने पूछा कि इसमें सबसे जो मुख्य बीमारी है वो क्या होती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें फंगस आती है। मैंने कहा, कौन सी फंगस आती है? तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था या वो बताना नहीं चाहते। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब फंगस के कारण है। ये जो स्पॉट है, ये देखिए, एक ये इसको देखिए आप, ये सब फंगस है। ये देखिए कि, और जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसको हार्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको घुमाऊँगा, ऐसे तोड़ लेते हैं इसको, तो ये एक स्पॉट आ गया इसमें। ये देखिए ये जगह, तो यहाँ पर कभी कभी फंगस भी शुरू हो जाती है। ये देखिए, इसका जो ये अंतिम वो है जहाँ से टूटा है, ये फंगस आ सकती है यहाँ पर,
तो इसका बचाव कैसे करेंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। किसान साथियों, जब मैंने पूछा कि चलिए हमने मान लिया, कुछ ने बताया कि इस पर रेड स्पॉट होते हैं, जैसे कुछ जगह पर है, अभी मेरे पास कोई रेड स्पॉट नहीं है। देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा, ये अगर आप देखोगे तो ये है इस तरह का। तो कुछ रेड स्पॉट होते हैं और वे धीरे धीरे फंगस में बदल जाते हैं, जो कि बाद में इस प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। ये प्लस इसमें एक और होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने हटा दिया था यहाँ पर, ये यहाँ पर फंगस आई थी इसमें, इसको देखिए, ये फंगस से यहाँ से ख़त्म हो गया था, तो इसको जब हमने स्प्रे किया ये ठीक हो गया। और ये भी देखिए, इस तरह की फंगस आते रहते हैं। लो माला, किसान साथियों, मैंने पूछा कि इसमें कितनी दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगभग 7 दवाइयाँ बताई गई, जिसमें से एक मशहूर है सिजेंटा की एमिस्टार्टो, लेकिन उसको कम करते हैं जब लगता है कि नहीं अब इसको करना ही पड़ेगा, फंगस कंट्रोल नहीं हो रही, तो एमिस्टार्टो करते हैं। ये देखिए, सुबह ही सुबह पक्षी इनको ऐसे चोंच मार कर इसको ख़राब भी कर देते हैं। दूसरी उन्होंने बताई कि इसमें जो सी प्लस है, कार्बन डी प्लस मैनकोजब है। तीसरी उन्होंने बताई कि रिडोमिल गोल्ड भी करते हैं, और चौथी उन्होंने बताई कि सी ओ सी भी करते हैं, और पांचवी उन्होंने बताई कि एक स्वाधीन नाम से आती है, जिसका के फॉर्मूला होता है टैबुकोनाजोल प्लस सल्फर, और छठी उन्होंने बताई के स्कोर जो सिजेंटा की आती है, ये बताई उन्होंने, और सातवीं बताई उन्होंने, एक और कोई दवाई बताई थी, मेरे याद नहीं है इस समय। तो इस प्रकार वो 7 दवाई करते हैं, और उसका स्प्रे प्रति सप्ताह करते हैं। अब आप देखिए, प्रति सप्ताह स्प्रे करने में और आपको 7 दवाइयों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो लगभग 2 महीने में एक दवाई का नंबर एक बार आता है, तो कितनी दवाइयाँ यूज करते हैं, फंगस है या नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, और मैंने एक निर्णय लिया, क्यों ना हम ये पता करें कि हमारे यहाँ कितनी फंगस है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो फंगस हमारे यहाँ है वो आपके यहाँ भी होगी। सुझाव अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं था। जब मैंने, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मेरे मित्र हैं तुषार भाई, वो फंगस टेस्टिंग करते हैं, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि त्यागी जी, कम से कम ये सोचिए कि लाखों में फंगस हैं। अब हम कौन सी फंगस टेस्ट करें, हमें कुछ तो बाउंड्री पता होनी चाहिए, हमें कम से कम 50 के तो नाम पता होने चाहिए कि इन फंगस को टेस्ट करेंगे। ये था पहला चैलेंज मेरे सामने, जो कि मुझे ही हल करना था। जो मैं लिटरेचर में एक्सपर्ट हूँ सर्च करने में, तो मुझे लगा कि मुझे अपना DRDO के दिनों में वापस चला जाना चाहिए, और मैंने ढूंढना शुरू किया। मुझे एक आर्टिकल मिला नेचर जर्नल का। किसान साथियों, जो लोग रिसर्च करते हैं उन्हें पता है कि नेचर दुनिया का नंबर एक जर्नल है। जो रिसर्च पब्लिश होती है नेचर में, वो नंबर वन की रिसर्च होती है। ऐसा कहते हैं कि जिसका पेपर इसमें एक्सेप्ट होता है नेचर जर्नल में पब्लिश होने के लिए, वो 50 साल आगे की सोचता है। और जो लोग इसको पढ़ते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, रिसर्च जो स्टूडेंट होते हैं, कि वो कम से कम 20 साल आगे की सोचते हैं। अगर आप सभी जर्नल का, दुनिया के जितने भी रिसर्च जर्नल हैं, अगर उनकी रैंकिंग करो कि सबसे अच्छा जर्नल कौन सा है, तो नेचर नंबर 1 पर आता है। हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में।
तो मुझे एक पेपर मिला और मैंने उसमें देखा कि वहाँ पर ये रिसर्च की गई थी मलेशिया में कि इसमें 8 फंगस आती है। वो कौन सी फंगस है? आप इस रिसर्च पेपर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे पढ़िए और उसको देखिए। एक और जर्नल मिला मुझे एक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में, उसमें भी इसी प्रकार की बातें थी। तो दोनों पेपर लेकर मैं पहुंचा अहमदाबाद। जब मैं अहमदाबाद गया और मैंने ये दोनों पेपर तुषार भाई को दिखाए तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इन्होंने क्लियरली लिखा कि इसमें 8 तरह की फंगस अभी तक जो उनके यहाँ मलेशिया में है डिटेक्ट की गई है। तो हमने अपनी जो बाउंड्री है स्कोप बनाया कि हम इन 8 फंगस को टेस्ट करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हम 8 फंगस पर कार्य करेंगे। अब दूसरा कार्य था कि फंगस के सैंपल लेना। अब मैं तो इतना नहीं था इसके बारे में जानकारी, तो गुजरात में ही मैं मिला था अनिल भाई से। आपको याद होगा एक वीडियो में मेरा उनके साथ जिक्र था और शॉर्ट भी एक दो बनाए थे मैंने, और वो ड्रैगन फ्रूट पर काफ़ी काम करते हैं, सलाह भी देते हैं गुजरात के एरिया में। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे फार्म पर आएँ, हमने उनको इन्वाइट किया और हमारी कुछ मदद करें। अनिल भाई आए और उन्होंने घूमकर, एक ये फार्म है हमारा और एक दूसरा फार्म है एक ही एकड़ का, उन दोनों से 7 सैंपल इकट्ठे किए। हमने पॉलीथीन ली, बहुत साफ़ सुथरी पॉलीथीन ली, जैसा कि हमें तुषार भाई ने बताया था। वो हमारे कॉन्टैक्ट में थे और ऑनलाइन देख भी रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार के सैंपल इस प्रकार से आपको इकट्ठे करने हैं। हमने पॉलीथीन में पैक किए, सुबह ही हम इस कार्य पर लग गए। हमने ये सैंपल इकट्ठे किए और शाम को अनिल भाई को दे दिए, जिनकी फ़्लाइट चंडीगढ़ से अहमदाबाद के लिए थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तुषार भाई मेंबर था एक, उसने कलेक्ट किए और दे दिए तुषार भाई को। अब शुरू हुआ कार्य फंगस डिटेक्शन का। तो हमारा जो स्कोप था, जो दायरा था, वो था 8 फंगस के आसपास। किसान साथियों, जब उसके रिजल्ट आए, आप देखिए फंगस टेस्टिंग के पीछे कितनी मेहनत लगती है। आप पता करिए कि किसी किसान को ये पता नहीं है कि फंगस की टेस्टिंग कहाँ होती है। जो मैं मिला हूँ ये 99.9% किसानों के साथ है अभी तक। वैसे तो 100% है, पर थोड़ा मैं 100% नहीं कह सकता, हो सकता है किसी ऐसे आदमी को पता हो जिससे मैं नहीं मिला। तो हमने इनको टेस्टिंग शुरू की इनकी, और जो रिजल्ट आया, तो तुषार भाई ने मुझसे कहा था कि त्यागी जी, मैं नवंबर में इधर आना चाहता हूँ, आप लोगों के फार्म पर आप क्या काम कर रहे हैं, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की जो रिसर्च है ये कर रहे हैं, ये क्या है आपके फार्म। तुषार भाई आए मेरे साथ, मैंने उनको कृपाल सागर का ये फार्म दिखाया, घुमाया, उनसे बातें की। आप जानते होंगे कि मैं उनके प्रोडक्ट यूज करता हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके, जैसे बायोफर्टिलाइज़र पर हैं, माइकोराइजा है, और जो PSB कंसोर्सिया ये सब हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इनको तुरंत बनाते, जैसे ही आप ऑर्डर देंगे तो तभी उनको बना कर देंगे। और इनको, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी। तो तुषार भाई आए और वो एक रिपोर्ट लेकर आए। इस रिपोर्ट का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट हमारे जो चेयरमैन साहब हैं करमजीत सिंह जी, उनको प्रेजेंट की इन्होंने, और उसी दिन हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और किया कि जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उनकी ये इच्छा है कि उनका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर, तो उसमें बायोलॉजी की लैब में मिट्टी और नीमाटोड की जांच हो, चूँकि उनका नीमाटोड का के
क्योंकि उनका जो ताइवान पिंक अमरूद का बाग था वो नीमाटोड से बहुत बुरी तरह ग्रसित हो गया था और काफ़ी बाग ख़त्म हो गया था। तो उस दिन उन्होंने नीमाटोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं वो उसकी ट्रेनिंग दी थी, और हम अब जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं सोयल टेस्टिंग, जो बहुत ही नॉमिनल, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर कृपाल सागर में जल्दी ही शुरू होने वाली है। हम उसको अनाउंस करेंगे कि आगे आसपास के किसान अपनी मिट्टी टेस्ट करा सकें। और किसान साथियों, इस वीडियो को, मेरा निवेदन है कि मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक देखें। कुछ किसान हैं जो मेरी वीडियो को नियमित रूप से देखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मेरे पास भेजे हैं और मेरे लिए दो शब्द भी अच्छे लिखे हैं। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें और बिना स्किप करे हुए देखें, और अगर उनकी जान पहचान में कोई इस प्रकार की खेती कर रहा है तो उसको शेयर अवश्य करें। जब इसका रिजल्ट आया तो बड़ा विस्मयकारी था। किसान साथियों, इसमें केवल 4 फंगस हमको मिली। ये 4 फंगस के नाम हैं, ये मुझे स्पेल करने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं उतनी अच्छी तरह इनको नहीं बोल सकता, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। किसान साथियों, इन फंगस का असर हमारी जो फार्मिंग है, ये ड्रैगन फार्मिंग है, इस पर क्या पड़ा और हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ और आपको क्या फ़ायदा होगा, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो के अगले भाग में। देखना ना भूले अमेजिंग किसान YouTube चैनल। हाँ, इस सब कार्य के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कृपाल सागर का। ये देखिए पीछे की तरफ हमारा गेस्ट हाउस है और बहुत अच्छा 70 एकड़ में यह संस्थान है। मैं सभी उन किसान भाइयों को जो पंजाब के हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि एक बार समय निकालकर कृपाल सागर ज़रूर आएँ, लेकिन आपके पास कम से कम 6 घंटे का समय होना चाहिए यहाँ पर व्यतीत करने के लिए। अगर आप रुकना चाहेंगे तो मुझे ये बताया गया है कि उन किसानों के लिए रहने की उचित व्यवस्था करें, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, यहाँ लंगर चलता है, बहुत अच्छी मैस है, आपका मन लगेगा और यहाँ मानव सेवा के बहुत कार्य होते हैं। आप अवश्य आएँ और जो मैं कह रहा हूँ उसको अपनी आँखों से देखें। किसान साथियों, आजकल बहुत सारी 10 लाख की आमदनी, 20 लाख की आमदनी, 1 करोड़ की आमदनी, लेकिन उसके पीछे क्या कार्य होता है उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं होती और किसान शुरू कर देते हैं। मेरे पास बहुत किसान ऐसे हैं जो इस बारे में बहुत नुकसान उठा चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस फसल से मुझे इतनी आमदनी हो रही है उस फसल से आपको भी हो, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि आप किस जगह पर रहते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का वातावरण है। आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में 50 किलोमीटर चलते ही आदमी की शक्ल भी बदल जाती है, आदमी की बातचीत का लहजा भी बदल जाता है। अगर आप जिस एरिया में मैं हूँ, ये नवा शहर का एरिया है, तो इधर की जो बोली है वो अलग है, इसे दोआबा का एरिया कहते हैं, और जो आप भटिंडा में जाएंगे तो वहाँ की बोली बिल्कुल अलग है, और अगर आप अबोहर फाजिलका में जाएंगे तो वहाँ की थोड़ी सी अलग है, और तीनों जगह की ज़मीन और वातावरण में भी अंतर है। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम मिलेंगे अगले भाग में जल्दी ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।